प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप स्वागत करता हूं आपका करियर प्लैनेट की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि आप अपने बिजनेस की वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट किस तरह से बना सकते हैं, और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में हम ये सीखेंगे यदि आप अपने बिजनेस की वेबसाइट में ऑनलाइन डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, कस्टमर का फीडबैक लेना चाहते हैं, तो आप किस तरह से करेंगे। दोस्तों वेबसाइट बनने के बाद हमें कई बार कस्टमर से इंक्वायरी फॉर्म सबमिट करना होता है, कई बार उसकी इन्फॉर्मेशन हमें ऑनलाइन कलेक्ट करनी होती है, तो उसके लिए गूगल का एक और बेहतरीन टूल जिसे गूगल फॉर्म्स कहा जाता है। आज के वीडियो में मैं आपको गूगल फॉर्म्स के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। गूगल फॉर्म्स क्या होते हैं, इन्हें किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, ये पूरी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। दोस्तों गूगल फॉर्म्स एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि चाहे आपके पास वेबसाइट हो या वेबसाइट ना हो, इवन आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन कलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों गूगल फॉर्म्स के माध्यम से आप कस्टमर फीडबैक, ऑनलाइन सर्वे, इवेंट रजिस्ट्रेशन, क्विज और क्वेश्चन पेपर, सभी तरह के फॉर्म्स को क्रिएट कर सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि डेटा कलेक्ट करने के बाद आप उसे ऑफलाइन ऑर्गेनाइज और एनालाइज भी कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं पिछले वीडियो में जो हमारा बिजनेस वेबसाइट से संबंधित था उससे रिलेटेड जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही है उसका समाधान कर देता हूँ, और हमारे कुछ यूज़र्स ने जो वेबसाइट बनाई है उनको भी आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मुझे वेबसाइट का लिंक भेजा है कृष्णा टेक्सटाइल ने, जो कि आसाम गुवाहाटी से हैं। इन्होंने अपनी बहुत ही सुंदर वेबसाइट डेवलप कर ली है। दूसरा मुझे लिंक भेजा है जादोन टैक्स एसोसिएट ने, आप राजपुर आगरा उत्तर प्रदेश से हैं। और तीसरा मुझे लिंक भेजा है मुरारी कॉरपोरेशन ने, आप वेस्ट बंगाल से हैं। दोस्तों आप सभी ने अपना अपना प्रयास किया है और बहुत ही सुंदर वेबसाइट डिज़ाइन की है। कुछ लोगों का कहना था कि सर वेबसाइट तो हमने बना ली है लेकिन अब उसे एडिट किस तरह से करना है, और कुछ लोगों का ये प्रश्न था कि सर हमारी वेबसाइट बनने के बाद गूगल पर डिस्प्ले नहीं हो रही है। तो दोस्तों गूगल पर डिस्प्ले होने में कुछ समय लगता है, आप अपनी वेबसाइट को समय दीजिएगा, 7 दिन 10 दिन 15 दिन, उसके बाद जब आप सर्च करेंगे तो आपको आपकी वेबसाइट गूगल पर दिखाई देगी, और उससे पहले आपको गूगल बिजनेस पर जाकर अपने बिजनेस की सारी इन्फॉर्मेशन भी डालनी है। वो भी आप कहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा आने वाली वीडियोस में कि बिजनेस की सारी इन्फॉर्मेशन हमें गूगल पर किस तरह से सबमिट करनी है, पर अभी मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि यदि आपकी वेबसाइट बन गई है और उसके बाद आप कोई करेक्शन करना चाहते हैं, उसमें कोई एडिटिंग करना चाहते हैं, तो वो किस तरह से करते हैं। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि जिस जीमेल आईडी से आपने गूगल साइट्स डेवलप की है उसी जीमेल आईडी से आपको फिर से लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद जब आप अपनी साइट को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि जो साइट आपने क्रिएट की थी वो आपको रिसेंट साइट्स में दिखाई देगी। जैसे मैंने बालाजी इंडस्ट्रियल हाउस का साइट डेवलप किया था तो वो अब मुझे रिसेंट साइट्स में दिखाई दे रहा है, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये वेबसाइट अब एडिट मोड में ही ओपन होगी। यहाँ से एडिटिंग आपकी आसान हो जाएगी, अब आप एडिटिंग कर पाएंगे, आप जो भी चेंज करना चाहें। अब देखिए सारे कंट्रोल्स मेरे पास आ चुके हैं, मैं जो भी चेंज करना चाहूँ यहाँ चेंज कर सकता हूँ, और उसे फिर से मुझे पब्लिश करना होगा। तो जो आपकी समस्या आ रही थी कि इसे एडिट कैसे करना है, तो उसके लिए आपको अपनी जीमेल आईडी, जिस जीमेल आईडी से आपने वेबसाइट डेवलप की थी उसी आईडी से आपको लॉगिन करना है, और site.google.com पर जाकर आप अपनी साइट को एडिट कर सकते हैं। आइए दोस्तों आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, गूगल फॉर्म्स। आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों फॉर्म्स को डिज़ाइन करने के लिए आप सबसे पहले अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन कर लीजिएगा और गूगल में सर्च कीजिएगा गूगल फॉर्म्स। जैसे आप गूगल फॉर्म्स लिखकर सर्च करेंगे तो आपको सर्च रिजल्ट्स में दो लिंक्स दिखाई देंगे। पहला दिख रहा है गूगल फॉर्म्स फ्री ऑनलाइन सर्वे फॉर पर्सनल यूज़, और उसके नीचे लिखा हुआ है गूगल फॉर्म्स साइन इन। दोस्तों आपको गूगल फॉर्म्स साइन इन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहां क्लिक करेंगे, यदि आपने साइन इन नहीं किया होगा तो वो आपसे साइन इन करने के लिए आपकी ईमेल आईडी के बारे में पूछ लेगा, अदरवाइज़ आप ऑटोमेटिकली गूगल फॉर्म्स में साइन इन कर जाएंगे, जहां सबसे पहले आपको कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स, बनी बनाई डिज़ाइन दिखाई देंगी, और टेम्पलेट्स देखने के लिए आपको टेम्पलेट गैलरी पर क्लिक करना है। यहां आपको अलग अलग तरह के बने बनाए फॉर्म्स की डिज़ाइन मिल जाएगी, जैसे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, फाइंड अ टाइम, RSVP, पार्टी इनवाइट, टी शर्ट साइन अप, इवेंट रजिस्ट्रेशन, इवेंट फीडबैक, ऑर्डर फॉर्म, जॉब एप्लीकेशन, टाइम ऑफ रिक्वेस्ट, वर्क रिक्वेस्ट, कस्टमर फीडबैक, बैंक क्विज, एग्जिट टिकट, असाइनमेंट, वर्कशीट, कोर्स इवेल्यूशन,
दोस्तों ये सारे बने बनाए टेम्पलेट्स आप यूज़ कर सकते हैं, और यदि आप बिल्कुल ब्लैंक नए सिरे से डिज़ाइन करना चाहें तो आपको ब्लैंक पर क्लिक करना है। ब्लैंक पर क्लिक करते ही आपके सामने फॉर्म क्रिएशन स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जहां आपको सबसे पहले अपने फॉर्म का टाइटल टाइप करना है। जैसे हम यहां पर अपने कस्टमर के लिए कॉन्टैक्ट अस फॉर्म डिज़ाइन करने वाले हैं, तो मैंने यहां पर कॉन्टैक्ट अस टाइटल दे दिया है। उसी के नीचे लिखा हुआ है फॉर्म डिस्क्रिप्शन, आप ये फॉर्म किसके लिए यूज़ करने वाले हैं। यदि आप टाइप करना चाहें तो वो यहाँ डिस्क्रिप्शन टाइप कर सकते हैं, ये एक ऑप्शनल फील्ड है। जैसे अब ये फॉर्म हम अपनी वेबसाइट में यूज़ करने वाले हैं, बालाजी इंडस्ट्रियल हाउस यहाँ पर टाइप कर दिया है। नीचे आपको दोस्तों अनटाइटल क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें यूज़र से जो जो इन्फॉर्मेशन नीडेड है या आप जो जो इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन कलेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पर हमें क्वेश्चंस टाइप करने होते हैं। जैसे आप क्वेश्चन में कर्सर ले जाएंगे तो सामने आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस दिखाई देंगे, शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्सेस, ड्रॉप डाउन, फाइल अपलोड, लीनियर स्केल, मल्टीपल चॉइस, ग्रीड, टिक बॉक्स, ग्रीड, डेट और टाइम। बारी बारी से हम इन सभी को डिस्कस करने वाले हैं, आप इन्हें समझ लेंगे तो आपको फॉर्म डिज़ाइन करने में बहुत आसानी होगी। तो पहला जो सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है नेम, हमें अपने कस्टमर का नेम इनपुट करवाना होता है, तो सबसे पहले मैंने नेम ले लिया है और आप नीचे की तरफ देखेंगे रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। इट मीन्स यदि आप चाहते हैं कि आपका कस्टमर बिना नेम इनपुट किए अपने फॉर्म को सबमिट ना कर पाए तो आप इस फील्ड को रिक्वायर्ड कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को रिक्वायर्ड कर सकते हैं। और उसका डाटा टाइप जो हम यूज़ करेंगे वो करेंगे शॉर्ट आंसर। तो पहला हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया है, हम अपने कस्टमर से नेम इनपुट करवाएंगे। सेकेंड यदि हमें क्वेश्चन तैयार करवाना है तो आपको साइड में कंट्रोल दिखाई दे रहे हैं, उसमें से पहला कंट्रोल है एड क्वेश्चन, आप यहाँ क्लिक करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन के लिए आपको बॉक्स दिखाई देगा जहाँ मैंने इनपुट कर लिया है ईमेल एड्रेस, और ईमेल के लिए भी हम शॉर्ट आंसर डेट टाइप का ही यूज़ करेंगे। नीचे आपको रिक्वायर्ड के साथ साथ तीन डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ क्लिक करके आप अपने कस्टमर के दिए गए रेस्पॉन्स को वैलिडेट भी करवा सकते हैं। वैलिडेशन को एक्टिवेट करने पर आपको यहाँ पर वैलिडेशन कंट्रोल दिखाई देंगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ नंबर ग्रेटर देन। दोस्तों ईमेल एड्रेस टेक्स्ट होता है, इसलिए आपको यहाँ पर वैलिडेशन में कंडीशन डालनी होगी टेक्स्ट कंटेंट की जगह पर ईमेल एड्रेस। और यदि आप कोई कस्टम एरर मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहें तो वो भी यहाँ टाइप कर सकते हैं। जब हमारा कस्टमर रॉन्ग ईमेल एड्रेस इनपुट करे तो उसके सामने एरर मैसेज क्या डिस्प्ले होना चाहिए वो आपको यहाँ टाइप करना है। जैसे मैंने यहाँ टाइप कर दिया है इनपुट करेक्ट मेल एड्रेस। इसी तरह से यदि आप फ़ोन नंबर के लिए क्वेश्चन तैयार करना चाहें तो आप लिख सकते हैं मोबाइल नंबर रिक्वायर्ड, इसके लिए भी हम डेटा टाइप शॉर्ट आंसर यूज़ करेंगे। रिक्वायर्ड मैंने टिक कर दिया है, वैलिडेशन एक्टिवेट है। यहाँ पर भी आप एरर मैसेज डिस्प्ले करना चाहें तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम यूज़ करना चाहते हैं एड्रेस। एड्रेस क्वेश्चन के लिए हमें डेटा टाइप यूज़ करना होगा पैराग्राफ, और यहाँ मैंने लिख दिया है एड्रेस। इस क्वेश्चन के लिए जब हम पैराग्राफ डेटा टाइप को सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली लॉन्ग आंसर के लिए जगह मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम यूज़ करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस डेटा फील्ड का, जहाँ पर आप अपने यूज़र को मल्टीपल चॉइस दे सकते हैं, उनमें से कोई एक चॉइस वो सेलेक्ट करके फॉर्म को फिल करेगा। जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया है टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यूज़र अपने बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन हमें बताए तो उसके लिए नीचे ऑप्शंस आ रहे हैं, आप यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दे सकते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप दे दिया मैंने पहला, सेकेंड पार्टनरशिप, थर्ड लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, और यदि आप अदर का ऑप्शन ऐड करना चाहें तो ऐड अदर पर क्लिक कर दीजिएगा। फॉर्म बनाते समय यदि आप देखना चाहें कि आपका फॉर्म किस तरह से दिखाई देगा तो उसके लिए ऊपर आपको कंट्रोल दिखाई दे रहे हैं, प्रीव्यू बटन पर आप क्लिक कीजिएगा, आपको अपने फॉर्म का प्रीव्यू दिखाई देगा। जैसे आप इस टेप को क्लोज करेंगे फिर से आप एडिट मोड में चले जाएंगे। दोस्तों अभी तक हमने शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ और मल्टीपल चॉइस का यूज़ करके देखा, अब हम यूज़ करने वाले हैं चेक बॉक्सेस का। यहाँ हम यूज़र को दो ऑप्शन दे सकते हैं या दो से अधिक ऑप्शन दे सकते हैं। आर यू फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो ऑटोमेटिकली गूगल ने हमें सजेस्ट किया है यस, नो और मे बी, इन ऑप्शंस को आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ एड ऑल कर लेता हूँ तो ऑटोमेटिकली यस, नो और मे बी का ऑप्शन आ गया है, और आप अदर का ऑप्शन यूज़ करना चाहें तो एड अदर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मल्टीपल चॉइस और चेक बॉक्सेस में डिफरेंस केवल इतना है, मल्टीपल चॉइस में यूज़र को ऑप्शन दिए जाते हैं जिनमें से कोई एक वो सेलेक्ट कर सकता है, जबकि चेक बॉक्सेस में यूज़र मल्टीपल आंसर्स को सबमिट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम यूज़ करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट का। ड्रॉप डाउन लिस्ट में हम यूज़र के सामने एक लिस्ट डिस्प्ले करेंगे, उसे कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, तो ये सारे ऑप्शन यूज़र को ड्रॉप डाउन लिस्ट में शो होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन टाइप होगा फाइल अपलोड, जिसके माध्यम से आप यूज़र से फोटोग्राफ, सिग्नेचर या और भी कोई डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट अपलोड करवा सकते हैं। जब ये ऑप्शन आप यूज़ करेंगे तो ये सारा कुछ आपके गूगल ड्राइव में इंस्टॉल होगा, और यहाँ हमने
यूज़र को पासपोर्ट टाइप फ़ोटो अपलोड करने के लिए क्वेश्चन दिया है और डाटा टाइप यूज़ कर लिया है फाइल अपलोड। जैसे आप इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर फाइल टाइप्स के लिए आपको ऑप्शन दिया गया है, आप किस तरह की फ़ाइल को अपलोड करवाना चाहते हैं, क्या वो डॉक्यूमेंट है, स्प्रेडशीट है, पीडीएफ फाइल है, वीडियो, प्रेजेंटेशन, ड्राइंग, इमेज और ऑडियो। आप मल्टीपल ऑप्शंस भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर कर लिया इमेज, पीडीएफ, स्प्रेडशीट। और मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स कितनी आप अपलोड करवाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आप कंट्रोल कर सकते हैं, 1, 5, 10। मैंने यहाँ पर 1 ले लिया है। मैक्सिमम फाइल साइज़ आपको यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, कितनी फाइल साइज़ होनी चाहिए, तो 10 MB मैंने ले लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन टाइप होगा जिसमें हम यूज़ करेंगे लीनियर स्केल। दोस्तों इस ऑप्शन के माध्यम से आप रिव्यू और रेटिंग डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया है क्वेश्चन रेट आवर कंपनी सर्विसेज, उसके लिए रेटिंग दी है जिसे आप 0 से या 1 से स्टार्ट कर सकते हैं और 10 तक रख सकते हैं। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 1 to 5 आ रहा है और 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा और 5 किसको रिप्रेजेंट करेगा वो आपको यहाँ पर इनपुट करना होगा। जैसे 1 पर मैंने दे दिया नॉर्मल और 5 रेटिंग पर मैंने दे दिया वेरी गुड। दोस्तों ये जस्ट आपको एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, आपकी कंपनी में आपके लिए जो जो फील्ड्स रिक्वायर्ड हों उन्हें ही आप डिज़ाइन कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन होगा उसका टाइप हम रखेंगे मल्टीपल चॉइस ग्रिड। इसका यूज़ जनरली सर्वे में किया जाता है। जैसे यहाँ पर हम एक क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, व्हाट आर योर फेवरेट बिजनेस टूल्स। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक तरफ रोज दिखाई दे रही हैं, दूसरी तरफ कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं। रोज में जैसे मैंने टाइप कर दिया फर्स्ट चॉइस और सेकेंड चॉइस, और कॉलम्स में हमें प्रोडक्ट टाइप करने होते हैं। फर्स्ट चॉइस में कस्टमर कौन कौन से प्रोडक्ट को रखेगा, सेकेंड चॉइस में प्रोडक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, उसके लिए हमें यहाँ कॉलम में ऑप्शन टाइप करना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा गूगल साइट्स, गूगल फॉर्म्स, ERP सॉफ्टवेयर। और दोस्तों इसे हम एक बार प्रीव्यू करके देखते हैं किस तरह से ये हमारे फॉर्म में दिखाई देगा। दोस्तों देखिए यूज़र को फर्स्ट चॉइस दिखाई दे रहा है कि वो फर्स्ट चॉइस किसे मानता है, कौन सा बिजनेस टूल उसके लिए सबसे उपयोगी है, तो उसे चॉइस हमने दी है। तो फर्स्ट चॉइस में उसने सेलेक्ट कर लिया, मैं सबसे पहले गूगल फॉर्म्स यूज़ करूँगा, सेकेंड चॉइस के अंदर ERP सॉफ्टवेयर। तो इस तरह से ऑप्शन उसके सामने डिस्प्ले होंगे। फिर से हम अपने फॉर्म में आ गए हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग यूज़ करने वाले हैं टिक बॉक्स ग्रिड। ये भी सेम उसी तरह से है, यूज़र को हमने मल्टीपल चॉइस ग्रिड में ऑप्शन बॉक्स दिए थे और टिक बॉक्स ग्रिड में उसे ऑप्शन बॉक्स की जगह पर चेक बॉक्स दिए जाते हैं जिसमें वो मल्टीपल ऑप्शंस एक साथ सेलेक्ट कर सकता है। तो इसे मैं यहाँ पर अभी स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट डेट टाइप की तरफ हम बढ़ते हैं, डेट। दोस्तों इसके माध्यम से आप यूज़र से उसका डेट ऑफ बर्थ इनपुट करवा सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट जो हमारा डेटा फील्ड है वो है टाइम के लिए, आप अपॉइंटमेंट टाइम वगैरह इस तरह से टाइम अगर इनपुट करवाना चाहें तो उसका भी यूज़ टाइम फील्ड के माध्यम से कर सकते हैं। दोस्तों यदि किसी क्वेश्चन को आप डिलीट करना चाहें तो उसके लिए आपको नीचे कंट्रोल दिए गए हैं, आप डिलीट बटन के थ्रू उसे डिलीट कर सकते हैं। यदि आप किसी क्वेश्चन को डुप्लीकेट करना चाहें तो उसके लिए भी आपको कंट्रोल दिया गया है डुप्लीकेट। इसी तरह से यदि आप किसी की पोजीशन चेंज करना चाहें तो आपको सभी क्वेश्चन के साथ में ऊपर की तरफ आपको ऐसे डॉट्स दिखाई देंगे जिनके थ्रू आप उनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। जिस क्वेश्चन को आप जिस ऑर्डर में रखना चाहें उस ऑर्डर में रख सकते हैं, ड्रैग और ड्रॉप करते हुए इनका ऑर्डर आप चेंज कर पाएंगे। इस तरह से साइड में आपको बहुत सारे कंट्रोल दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट 8 क्वेश्चन के लिए है, सेकंड यदि आपने पहले से फॉर्म्स डिज़ाइन कर रखे हैं और उनमें से आप क्वेश्चंस को फिर से यूज़ करना चाहते हैं तो आप इंपोर्ट क्वेश्चन के थ्रू नए फॉर्म में पहले से बने बनाए फॉर्म के क्वेश्चंस को इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऐड करने के लिए अलग से कंट्रोल दिए गए हैं। ठीक इस तरह से आप अपने फॉर्म में इमेज ऐड कर सकते हैं, अपने फॉर्म में वीडियो ऐड कर सकते हैं। और यदि आपका फॉर्म बहुत बड़ा है, उसके अलग अलग सेक्शन है, पेज 1, पेज 2, पेज 3, तो आप 8 सेक्शन के थ्रू अलग अलग पेजेस को भी यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं। दोस्तों जब आपका फॉर्म पूरा डिज़ाइन हो जाए तो आप उसका थीम भी चेंज कर सकते हैं। आपको कलर्स के ऑप्शन दिए गए हैं, आप हेडर में कोई इमेज इंसर्ट करना चाहें तो इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं। आप फॉर्म का बेस कलर चेंज कर सकते हैं, आप बैकग्राउंड कलर भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं और फॉन्ट स्टाइल भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से थीम ऑप्शन के पास में प्रीव्यू बटन दिया गया है और उसके पास में सेटिंग्स का ऑप्शन है जहाँ आप अपने फॉर्म की सेटिंग्स को इनेबल कर सकते हैं। सबसे पहले प्रेजेंटेशन सेक्शन में आप कंफर्मेशन मैसेज टाइप कर सकते हैं। जब भी कोई यूज़र अपना फॉर्म सबमिट करेगा तो उसे क्या मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, तो हमने यहाँ लिख दिया थैंक्स फॉर कॉन्टैक्ट अस, वी विल कॉन्टैक्ट यू सून। इस तरह का मैसेज फॉर्म को सबमिट होने के बाद कस्टमर की स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा फॉर्म के दो पार्ट्स होते हैं, एक क्वेश्चन के लिए होता है, दूसरा रेस्पॉन्सेज को यूज़ करने के लिए होता है। जब कोई भी कस्टमर आपके फॉर्म को यूज़ करेगा, वो अपनी इन्फॉर्मेशन सबमिट करेगा, तो उसका नोटिफिकेशन आपको कैसे मिले, उसके लिए आपको इन 3 डॉट्स में क्लिक करना है, गेट ईमेल नोटिफिकेशन फॉर न्यू रेस्पॉन्सेज,
जब भी कोई नया रेस्पॉन्स आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको ईमेल पर मिल जाएगा और सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक स्प्रेडशीट में उपलब्ध होगी। उस स्प्रेडशीट का नाम भी आप दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट अस रेस्पॉन्सेज, जो हमारे फॉर्म का नाम है वही ये स्प्रेडशीट का नाम भी हो जाएगा। सेम ये एक्सेल की तरह होगी, या आप पहले से बनी हुई एक्सेल शीट को भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह की स्प्रेडशीट आपको दिखाई देगी। फॉर्म तैयार होने के बाद इस फॉर्म को हम अपनी बिजनेस वेबसाइट में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने जो वेबसाइट पहले बनाई थी बालाजी इंडस्ट्रियल हाउस, उसके अंदर मैं इस फॉर्म को यूज़ करना चाहता हूँ, तो आप उसे एडिट मोड में ओपन कर लीजिएगा और कॉन्टैक्ट अस सेक्शन में हमें फॉर्म ऐड करना है। जो फॉर्म हमने पहले से ऐड कर रखा है उसे मैंने डिलीट कर दिया है और मैं इंसर्ट सेक्शन में ही नीचे की तरफ जाऊँगा। फॉर्म्स, अब हमने जो फॉर्म तैयार किए हैं वो यहाँ पर हमें डिस्प्ले होंगे। देखिए, ये फर्स्ट हमारा कॉन्टैक्ट अस वाला फॉर्म जो अभी हमने डिज़ाइन किया था वो अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसे हमको यूज़ करना है। तो दोस्तों, उसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट अस वाला फॉर्म यहाँ पर ऐड हो चुका है। जब इस वेबसाइट का प्रीव्यू आप देखेंगे तो आपको कॉन्टैक्ट अस फॉर्म दिखाई देगा, फिल आउट फॉर्म, और यूज़र यहाँ पर अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर सकता है। दोस्तों, जब भी कोई कस्टमर अपना फॉर्म सबमिट करेगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन, उसका नोटिफिकेशन आपको अपनी ईमेल आईडी में मिल जाएगा। साथ ही साथ आपने जहाँ फॉर्म बनाया है उसी में ऊपर आपको रेस्पॉन्सेज सेक्शन दिखाई देगा, जहाँ पर जितने भी रेस्पॉन्सेज आए हुए होंगे उन सब की डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इसी तरह से यदि इस डेटा को आप डाउनलोड करना चाहें, ऑफलाइन यूज़ करना चाहें, तो आपको व्यू रेस्पॉन्सेज इन शीट्स यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने पर आपको एक्सेल की स्प्रेडशीट में सारा डेटा दिखाई देगा, जिसे आप ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। आप फाइल मेनू में जाइएगा, डाउनलोड, और इसे एक्सेल फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपके पास वेबसाइट नहीं है और आप इस फॉर्म को ऑनलाइन शेयर करते हुए डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको ऊपर सेंड बटन दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको क्लिक करना है। यदि आप ईमेल के माध्यम से ये फॉर्म किसी को शेयर करते हुए वहाँ से इन्फॉर्मेशन फिल आउट करना चाहते हैं तो ईमेल वाले ऑप्शन को यूज़ कीजिएगा। अदरवाइज आप फॉर्म का लिंक क्रिएट कर सकते हैं और लिंक को कॉपी करते हुए आप व्हाट्सएप वगैरह पर सेंड कर सकते हैं और वहाँ से इस फॉर्म को फिल आउट करवा सकते हैं। इस तरह से यदि आपके पास वेबसाइट है तो वहाँ पर भी आप इस फॉर्म के कोड्स को पेस्ट करते हुए डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे सभी फॉर्म्स जिसमें फाइल अपलोड क्वेश्चन यूज़ किया गया होगा उस फॉर्म को हम अपनी वेबसाइट में ऐड नहीं कर पाएंगे। इस तरह से यदि आप इस फॉर्म को फेसबुक और ट्विटर पर शेयर करते हुए डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर पाएंगे। दोस्तों, यदि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हाँ दोस्तों, यदि आप स्टेप बाय स्टेप टैली GST कोर्स के वीडियो ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो वो आप अब हमारी एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से भी देख पाएंगे। आप अपने गूगल प्ले स्टोर पर टैली GST कोर्स इस तरह से टाइप करेंगे, सर्च करेंगे, तो आपको करियर प्लैनेट की एंड्रॉयड ऐप दिखाई देगी। उसे आप अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप पूरे कोर्स को सीख सकते हैं। यदि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।